मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास अपडेट में। प्रियंका गांधी वाड्रा, इनके होने से भी कांग्रेस को वो जीत हासिल नहीं हुई जिस जीत की एक्सपेक्टेशंस तमाम कार्यकर्ता कर रहे थे, तमाम नेता कर रहे थे और साथ ही साथ सब सिर्फ यही सोच रहे थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा के आने से बहुत कुछ बदल जाएगा, देश की जनता शायद अपना फैसला जो है कांग्रेस के हक में सुना दे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 खत्म हुए, लोकसभा चुनाव 2019 के रिजल्ट सामने आए और रिजल्ट्स में सामने निकल कर आई बीजेपी की जीत और साथ ही एनडीए को भारी बहुमत जो पूरे देश भर ने दी। इसी बीच बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा की गई कुछ गलतियों की। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं पूरे सक्रिय तरीके से पूरे देश भर में चुनावी रैलियां, चुनावी सभाएं कर रही थीं और साथ ही साथ पूरी कोशिश कर रही थीं अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जीत दिलाने की। लेकिन इसी बीच प्रियंका की मेहनत जो है पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाई। प्रियंका की मेहनत जिस तरीके से व्यर्थ होती हुई दिखाई दी है, तो वहीं इसी बीच आपको रूबरू कराते हैं प्रियंका से जुड़े कुछ तथ्यों से। डाली नजर इस रिपोर्ट पर। कांग्रेस पार्टी में जब प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई थी, तो उस वक्त कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका दिल खोलकर स्वागत किया था। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को पार्टी के भीतर पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और तो और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह था। दरअसल पार्टी कार्यकर्ता इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा ही वो शख्स हैं जो कि कांग्रेस को फिर से पुराने चमत्कार की तरफ लौटा सकती हैं, पार्टी की खोई हुई धरोहर वापस दिला सकती हैं। यही वजह थी कि साल 2019 में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को गेम चेंजर की तरह देख रहे थे। उनके राजनीति में प्रवेश करते ही कहा गया कि यूपी में कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरेगी। यहां तक दावे किए गए कि देश भर में कांग्रेस को प्रियंका गांधी के पार्टी ज्वाइन करने से मजबूती मिल सकती है, लेकिन यूपी में उल्टा कांग्रेस भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हुई। और तो और कांग्रेस ने सूबे में गैर भाजपाई वोटों को काटा जो कि सीधे तौर पर सपा बसपा गठबंधन में जा रहे थे। इतना ही नहीं, अगर कांग्रेस यूपी में गठबंधन के साथ मिलकर लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी की सीटों को जरूर काटती। लेकिन कांग्रेस के अलग लड़ने की वजह से गठबंधन को नुकसान और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हुआ। इस बात को सीधे तौर पर साल 2019 के चुनाव परिणाम में भी देखा जा सकता है। और तो और बड़ी बात यह भी है कि 8 से भी ज्यादा सीटों पर सीधे तौर पर कांग्रेस ने गठबंधन के वोट काटे हैं और अगर इन सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े नहीं होते तो गठबंधन की पूरे तरीके से जीत हो जाती है। प्रियंका और राहुल ये कहते हुए दिखे कि उनका मकसद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सूबे में मजबूत करना है। दरअसल कांग्रेस पहले से ही यूपी में अपनी जमीन खो चुकी थी, ऐसे में उनके लिए फिर से खड़ा होना मुश्किल था। जी हाँ, इतना ही नहीं, आपको हम ये भी बताना चाहेंगे साल 2019 में पार्टी सूबे में एक ही सीट पर सिमट गई थी। कांग्रेस यूपी में सीट बंटवारे को लेकर भी पूरी तरह से विफल रही। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में राहुल गांधी से बेहतर वक्ता वो साबित हुए, इस बात को जनता ने भली भांति देखा। ऐसा ही नहीं, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उनकी यही वाकपटुता साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सूबे में कांग्रेस को फायदा जरूर पहुंचा सकती है। लेकिन ये बात भी सही है कि भारतीय राजनीति बदल गई है और अब किसी भी नेता के लिए उसका सरनेम ही काफी नहीं है। इतना ही नहीं, मतदाताओं की नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के जहन में ना ही इस तरह से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की याद समाई हुई है कि वो गांधी लगे होने से ही प्रत्याशी को जिता दे। ऐसे में प्रियंका और राहुल के लिए नई भारतीय मतदाता पीढ़ी को लुभाने आगे भी मुश्किल होगा। और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा के आने से कांग्रेस की जहां जीत लगभग तय बताई जा रही थी, तो प्रियंका से क्या गलतियां हुई आपने जाना होगा। तो वहीं आपने ये भी जाना होगा कि प्रियंका की बड़ी गलतियों की वजह से कांग्रेस जो है कई जगह सीट नहीं जीत पाई और कांग्रेस को हार का भी सामना करना पड़ा। खैर, अब जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस में, तो देखते हैं कि ये दावे कितने सफल होते हैं आगे। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से पूरी कोशिशें कर रही थी
कांग्रेस को जीत दिलाने की वो कोशिशें उनकी सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसी बीच प्रियंका गांधी की तारीफ जरूर करनी चाहिए जिस तरीके से कांग्रेस का साथ उन्होंने इस दौरान दिया। तो वहीं विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस क्या रणनीति अभी बना रही है ये भी देखना होगा। तो वहीं इसी बीच बड़ी खबरें जुड़ी हुई थी प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ी, जिनसे आप अभी अभी अवगत हुए होंगे। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रही हमारे चैनल SPN 9 न्यूज़ के साथ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सकें।